हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम जिस पे बात करने वाले हैं, न्यूज़ में मैंने देखा था कि आसाम का जो बिहू डांस है उसने गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। तो हमने सोचा कि देख लेते हैं, डांस भी देख लेते हैं, इसी बहाने रिकॉर्ड भी देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड ओके। ओ भाई, 11,000 लोग थे, मैंने ये देखा था। पूरा ग्राउंड भरा है। ये 3 मिनट का क्लिप देख रहे हैं हम, लेकिन फॉर्मेशन करने में ये देखो ना, निशान लगे हुए हैं सबके खड़े होने के, और सिंक्रोनाइज होने में कितना टाइम लगा होगा? मोर देन 11,000। चेक कर लार्जेस्ट रिसाइटल ऑफ द फॉग डांस फॉर्म, अब तक का लार्जेस्ट है मेरे ख्याल में। इससे पहले तो नहीं हुआ होगा है इतने बड़े लेवल पे। वर्ल्ड कॉर्ड हेडक्वार्टर्स, चेक करो ना, मैं कह रहा हूं सिंक्रोनाइज करने में टाइम लगा होगा एक्चुअल। शो अचीव द बिहू डांस एंड ढोल। एनवायरनमेंट वैसे क्या होगा ये देखने वाला है वहां पे। और 11,000 परफॉर्मर में 11,000 आर्टिस्ट। ओ भाई साहब, ये तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। जिन्होंने ये सोचा कि हमने ये 11,000 लोग परफॉर्म करवाने हैं, मैं तो उनकी सोच को दाद देता हूँ। और फिर 11,000 परफॉर्मर्स को ढूंढना, फिर 11,000 की अरेंजमेंट होना, फिर 11,000 की सिंक्रोनाइज होना, ये इतना हेक्टिक काम इन लोगों ने कर कैसे लिया, मैं तो इस पे हैरान हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा भी नहीं है कि रैंडम, देखें ये सब एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले इंसान जो 11,000 वाला इंसान है उसको जान तो नहीं होगा, लेकिन अब एक दूसरे को ना जानते हुए भी इतनी अच्छी फॉर्मेशन में करना, ये कमाल की बात है। हैट्स ऑफ, मज़ा आ गया। तो हम नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट का हॉर्नबिल फेस्टिवल देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट का एक और फेस्टिवल भी देखा था, नाम मेरे जहन से निकल गया था, अच्छा फेस्टिवल था वो भी। और अब हमने ये बिहू डांस देखा है इतने बड़े लेवल पर। सो नॉर्थ ईस्ट इज़ फुल ऑफ कल्चर, फुल ऑफ लिवली पीपल्स, तो मज़ा आ गया देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। मिलते हैं, सी यू गाइज़।